तो आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की। तो अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की जब हम बात कर रहे होते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा अनुसूचित जनजाति के बारे में जान लेंगे। पहले भी हालांकि पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो भारत में जो अनुसूचित जनजाति है, दरअसल इसी जनजाति को भारत के मूल निवासी भी कहा जाता है। तो इन्हीं को क्या है, जो भारत की अनुसूचित जनजातियां हैं, इन्हीं को भारत के मूल निवासी भी कहा जाता है। दरअसल जो आदिवासी लोग, थोड़ा इनके इतिहास की अगर बात करें तो जैसे भारत में विदेशी लोग एक बड़ी संख्या में आए, कई लोग आए, जैसे आर्य, उसके बाद मुगल और फिर अंग्रेज, ब्रिटिश अंग्रेज। ये जो अनुसूचित जनजाति है, तो ऐसा बताया जाता है कि आर्यों से भी लगभग 1500 वर्ष ऐसा पूर्व से जो रहने वाले लोग हैं, वही क्या है, भारत के आदिवासी लोग हैं, भारत के मूल निवासी लोग हैं, या अनुसूचित जनजाति के रूप में जिनको हम वर्तमान में जानते हैं। तो दरअसल भारत में आगमन हुआ विदेशियों का, आर्यन आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो इन सब के द्वारा क्या हुआ कि जो जनजातियां हैं, क्योंकि जंगलों में रहना इन लोगों का, तो ये अलग थलग पड़ गई, अलग बिखर गए, अलग थलग पड़ गई। कोई अपना एक स्थायी रहन वशेरा नहीं हुआ, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। इसलिए अगर हम देखें तो पूरे भारत में ये बिखराव की तरह हो गया। तो हिमालय से लेकर के वो नागालैंड, हिमालय से लेकर के वो नागालैंड, और ये पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न घाट है यहाँ, और कुछ ये पश्चिम के क्षेत्र हैं, जैसे इधर एमपी, राजस्थान, गुजरात, और भी। तो ओवरऑल क्या है, ये पूरे भारत में हर जगह बिखर गए, अलग थलग हो गए। क्यों, एक बड़ा कारण ये भी था कि दरअसल ये जो जनजाति रही, आदिवासी लोग रहे, तो इनकी सामुदायिक अधिकार तो रहा भूमि पे, इनका जो है भूमि पर सामुदायिक अधिकार तो रहा, मगर व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहा, या मतलब व्यक्तिगत अधिकार के मालिक नहीं रहे। जैसे हम लोगों का क्या रहा कि भाई जितने आपके पूर्वज ने, बाप दादा ने जितनी जो है जमीन कब्जा ली, वो आप हो गई, इनकी जमींदार हो गए, बड़े बड़े जो बाप बोले थे वो बड़े बड़े जमींदार हो गए। इनका क्या था, इनका कुछ ऐसा नहीं था, इनके कबीलों में भी क्या है, जो जहां रहा वहीं रहा भाई, ठीक है कि यहां है यही रहना है, फिर पता नहीं कहां चले जाना है। क्योंकि ये ऐसी गतिविधि, ऐसे फैक्टर सामने आ रहे थे, विदेशी लोग आ रहे थे, क्या जो जहां है जंगलों में इनको भगा देगा, यहां से भागो, ये लोग आ गए। अंग्रेजों ने तो बिल्कुल अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, नए नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए पूरे जंगल के जंगल काट दिए, पैसे में ही अलग थलग पड़ गए। कोई ऐसा नहीं था कि व्यक्तिगत जमीन इनकी, या व्यक्तिगत अधिकार के मालिक हो भूमि पर, ये हमारी जमीन है, ये हमारा क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं था।
क्योंकि मूल इनका अगर जीविका की बात करें तो वही शिकार किया और उसी को अपना भोजन बनाया, वही जंगलों में रहे, प्राकृतिक के ज्यादा करीब रहे। तो कोई ऐसा नहीं था कि किसी प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए हों। तो इसलिए क्या है कि सामुदायिक अधिकार का मतलब ये कि जहाँ सब रह रहे हैं, कोई देखे तुम भी रहो ये भी रहे, कोई ये नहीं था कि मेरी बाउंड्री है, ये मेरी मेड़ है तो इसको काटेगा तो झगड़ा हो जाएगा, ऐसे मेरा अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं था। सब सार्वजनिक था, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों ने आके तो एकदम पूरा मामला ही बदल दिया। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, अनेक औद्योगिक इकाइयां लगाई, औद्योगिक इकाइयों के स्थापना की, व्यापार का मामला था, व्यापार को लेकर के। अब औद्योगिक इकाइयों की स्थापना जब की गई, इसमें क्या हुआ, जो आदिवासी लोग हैं, जनजाति लोग हैं, इनकी भूमि पर कब्जा किया गया, और जब भूमि पर कब्जा किया गया इनको बेघर किया गया, मतलब उनकी भूमि जो जहाँ रहते थे सामुदायिक जो अधिकार था वो भी छीन लिया गया। इसलिए जनजाति लोग जो देश के अलग अलग कोनों में चले गए, और ऐसा नहीं कि आसानी से चले गए। इतिहास में आपने देखा होगा कि फिर अंग्रेजों के और जनजातियों के कई विद्रोह हुए, कई विद्रोह के रूप में सामने आई ऐसी घटनाएं। बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, जनजातीय विद्रोह काफी रहे। तो जैसे माल पहाड़ियों का विद्रोह का आपने नाम सुना होगा, कच्छ विद्रोह तो लिख सकते हैं, माल पहाड़िया, कच्छ विद्रोह, भील विद्रोह, भील आंदोलन जिसको बोला जाता है, भील विद्रोह, हो विद्रोह नाम है, ऐसा नहीं कह रहे कि हो विद्रोह, हो विद्रोह, खोंड विद्रोह जो कि बिहार में, संताल विद्रोह, खोंड विद्रोह और संताल विद्रोह, ये सब क्या है, जनजातीय विद्रोह रहे। ऐसा नहीं कि कोई आपको आपके घर से निकालेगा तो आप आसानी से निकल जाएंगे, चलो भाई झोला उठाओ चल लो, ऐसा नहीं, विद्रोह तो करना पड़ेगा। विद्रोह किया इसलिए उसके बावजूद भी जो है अलग अलग कोनों पे जाना पड़ा, देश के अलग अलग कोनों पे अलग थलग होना पड़ा, क्योंकि वो अलग कारण है कि मतलब किस वजह से जो है इनके विद्रोह सफल नहीं हो पाए, वो इतिहास में आपको पढ़ाया भी गया है। क्या कारण वह है कि जो जनजातीय विद्रोह रहे वो असफल हुए, सफल नहीं हुए, क्योंकि ये अपना बिरसा मुंडा टाइप के लोग जो है अपना, क्योंकि ये क्या है, प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं, पेड़ पौधों को ये अपना देवी देवता मानते हैं। अंग्रेजों के पास है बंदूकें और ये अपने तीर कमान चला रहे हैं, तीर कमान जी बोल रहे हैं कि हमारे तीर कमान आग उगलेंगे, तोप है उनके पास, राइफल है, बंदूकें हैं, तुम्हारे तीर कमान तब तक तुम ऐसे ऐसे करोगे ना तब तक निपटा देगा तुमको जी। तो ये भी चीजें रही। तो इसलिए क्या है, अब अलग अलग पूरा हालांकि देश में बिखर भी गए तो वही स्थिति रही कि जो अपना भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार होता तो शायद ऐसा हम मुश्किल था, एकजुट होते तो शायद ऐसा मुश्किल था। तो व्यक्तिगत अधिकार जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो आज के टाइम में भी बस इसका रूप बदल गया है। तो शेज का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमी नहीं पढ़ाया था आपको। इसका मतलब यही है कि जैसे सरकार के द्वारा शेज लाया गया तो जो जमीनें हैं किसानों की, जो आदिवासी उनकी जमीनें जो हैं औने पौने दाम पे अपना खरीदी गई, जबरन खरीदी गई और वहां पे औद्योगिक इकाइयां भी लगाई गई। यही चीज है कि आपको जबरन जो है आपके घर से निकाला जा रहा है। चलो ठीक है, आप औद्योगिक इकाई के सिर्फ इस नाम पे कि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो चीज़ अगर आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो कम से कम जो है
जिन लोगों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रहे हैं तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। तो इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में या इनके द्वारा जो है बताया जाएगा कि देखिए सबसे पहले पुनर्वास होगा, बाकी कुछ हो या ना हो तो सबसे पहले पुनर्वास है, तत्पश्चात विकास की बात की गई। ठीक है, तो यही पहले पुनर्वास तत्पश्चात विकास की बात की गई, तो उसी के चलते हम जो है अनुसूचित जो जनजातियां हैं उसके अधिकारों को देखेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे। देखिए वो क्षेत्र देख लेंगे जहां पे ज्यादा प्रतिशत में अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल टाइप से ज्यादा परसेंटेज है तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे, उन स्टेट्स का नाम लिख लेंगे, परसेंटेज लिख लेंगे। ठीक है, हालांकि ये 2011 के जो सेंसस है उसी पे आधारित आंकड़े हैं, तो जिक्र कर लेंगे क्योंकि 2021 का तो आप लोग सब जान ही रहे हैं क्या स्थिति रही। तो सबसे पहले एमपी की बात कर लेंगे, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, तो 14.7% के लगभग जो है यहाँ पे निवास करते हैं, यहाँ मौजूद हैं जनजाति अनुसूचित जनजाति। दूसरा महाराष्ट्र 10.1, फिर ओडिशा 9.2, ओडिशा 9.2%, इसके बाद में राजस्थान 8.9, और फिर गुजरात 8.6। ये वो ऐसे स्टेट हैं जहां पे एक बड़ा प्रतिशत रहता है, बड़ी जनसंख्या रहती है अनुसूचित जनजाति की। हालांकि ओवरऑल जो है वो 8.2 से लेकर के 8.7 तक जो है इनका परसेंटेज है, 8.2 से लेकर के 8.7%। ठीक है, कुल जो है इनका प्रतिशत है जनजातियों की जन्म गणना, ये जनजातीय जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.2 से लेकर के 8.7% तक है। देखिए इनके साथ समस्याएं चलती रही, जैसे अगर आजादी की स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो इनसे बंधुआ मजदूरी के रूप में काम लिया जाता है, बंधुआ मजदूर के रूप में काम लिया जाता है, तो बंधुआ मजदूरी की समस्या रही। आजादी के बाद में अगर बंधुआ मजदूरी की समस्या धीरे धीरे समाप्त हुई तो वो ऋणग्रस्तता की समस्या बनी रही। तो कुल मिला के क्या है, ये समस्याओं से जूझने वाला तबका रहा है अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब। इसलिए क्या है, सरकार के द्वारा इन लोगों के लिए विशेष योजनाएं, विशेष कार्यक्रम, विशेष नीतियां, विशेष प्रावधान बनाए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इन लोगों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखेंगे योजना वगैरह की बाद में बात कर लेंगे, कल बात कर लेंगे।